व्हाट्सअप। तो यार आज इस वीडियो में हम करने वाले रेडमी के नोट 8 प्रो के अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग के साथ ही कुछ इस मोबाइल के बारे में बात करेंगे कि यार ये किसके कंपैरिजन में आया, रियलमी का एक्स। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली मेरी सारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों ये हम रेडमी का नोट 8 प्रो, सबसे पहले इसकी सील को ब्रेक करते हैं हम और खोलते हैं, ओपन करते हैं हमने रेडमी का नोट 8 प्रो को। तो यार ओपन करते हैं, हमें मिलता है एक मिनी बॉक्स डब्बे के अंदर। अब मिनी बॉक्स में चेक कर लेते हैं अंदर क्या मिलता है मिनी बॉक्स में। हर बार की तरह एक सिम ट्रे टूल मिलता है, इसके साथ एक सॉफ्ट केस रेडमी नोट 8 प्रो का मिलता है, लेकिन यार इसका कवर की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और एक यूज़र मैनुअल मिलता है, मैं दिखाया तो यूज़र मैनुअल में क्या दिया हुआ है, एक MI की ब्रांडिंग दी गई है और खोलने के बाद कुछ मोबाइल का इंटरफेस दिया हुआ है। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आप साथ ही में। और एक और पेज दिया हुआ है जिस जो कि सिंगल पेज है, इसको भी सेट कर देते हैं। और एक मोबाइल के आइकन के शेप में एक पेज है, इसको सेट कर देते हैं। अब हम निकालते हैं अपने रेडमी नोट 8 प्रो को, सारा सामान पहले सेट कर लेते हैं। हाँ अब रेडमी नोट 8 प्रो को निकालते हैं अपने। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है हमें। यार एक एडेप्टर मिलता है बॉक्स के अंदर हमें, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है आपको। ये एक फास्ट चार्जर है, MI ने नोट 8 सीरीज़ में फास्ट चार्जिंग दी है, जिसकी आउटपुट है 5 वोल्ट 3 एम्पियर। यार ये बहुत अच्छा है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, पहले 2 एम्पियर मिलता लेकिन इस बार MI ने 3 एम्पियर दिया है, बॉक्स में ही फास्ट चार्जिंग दी है। और एक टाइप सी केबल इस मोबाइल के साथ भी, हाँ जी टाइप सी केबल सपोर्ट कर रहा है। यार ये बहुत अच्छी बात है, MI ने 7 से ही टाइप सी देना स्टार्ट कर दिया था, यह बहुत अच्छी बात है MI की। अब सारा सामान साइड करते हैं, अपने मोबाइल को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा ग्रीन कलर का एक वेरिएंट, ओपन करते हैं अपने रेडमी नोट 8 प्रो को। यार ओपन हो चुका है हमारा, जल्दी से इसका बूट करते हैं। यार रेडमी नोट 8 प्रो पे, पहले रेडमी नोट 7 प्रो में ऐसे ही आता था बिल्कुल। यार बैक से दिखा तो यार कितना शाइनी लुक दे रहा है यार ये मोबाइल, बहुत यार कलर के मामले में तो मुझे बहुत अच्छा, मेरा अपना मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लुक लगा है कलर के मामले में। जो गामा ग्रीन है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कलर है यार, वाइट से मेरे को अच्छा कलर लगा यार गामा ग्रीन। जल्दी से आप बूट करते हैं अपने रेडमी नोट 8 प्रो को, अभी करेंगे। हाँ आप करते हैं बूट। पहले कैमरे के बारे में बता दूं, आगे की तरफ आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का AI कैमरा और पीछे की तरफ आपको 4 कैमरे मिलते हैं क्वाड कैमरा जैसे कि, और 64 मेगापिक्सल का आपको मिलता है सुपर कैमरा, जो बहुत अच्छा कैमरा है 64 मेगापिक्सल का इसका। यार मैंने नोटिस किया है, मैंने कैमरा कंपेरिज़न भी किया है, तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। यार एम सॉरी ये मोबाइल में चार्ज कम था इसलिए दोबारा से बूट करना पड़ा, तो जल्दी से बूट करते हैं। यार बूट हो चुका है हमारा मोबाइल, अब इसमें देखा जाए तो यार बहुत सी मेन मेन फीचर्स दी गई है इसमें, सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ मैं जो इसके मेन फीचर्स है, कुछ जो ज़्यादा हाईलाइट किए Xiaomi ने वो फीचर दिखा देता हूँ। एक तो एंड्रॉयड 9.5, MIUI 11 नहीं दिया गया है उसको, आप 11 आ चुका है, आप रोल आउट हो चुका है, आप उसको अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा हमारा एंड्रॉयड 9 पाई लेटेस्ट वाला वर्ज़न है ये, बैक करते हैं और कुछ फीचर जानते हैं इसके और क्या फीचर है। 64 GB का वेरिएंट मेरे पास था इस वक्त, इसलिए मैंने ये वाला वेरिएंट ले लिया है। और देखे कुछ फीचर्स को, यार एक फ़ीचर एलेक्सा भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जल्दी से एक बार फिंगरप्रिंट सेट करते हैं हम, फेस अनलॉक सबसे पहले फेस अनलॉक सेट करेंगे कि कितना फास्ट दिया है MI ने फेस अनलॉक। तो फेस अनलॉक मेरा सेटअप हो चुका है, अब जल्दी से चेक करते हैं फेस अनलॉक कितना फास्ट है। यार इसका फेस अनलॉक तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बस चेहरे के सामने लाते ही आप देख रहे होंगे, चेहरे के सामने लाते ही बिल्कुल एकदम स्टार्ट हो जा रहा है। अब फिंगरप्रिंट के बारे में इसके बात कर लेते हैं कितना फास्ट दे रहा है फिंगरप्रिंट। अब ये दोबारा से दिखा देता हूँ मैं, आप देख रहे होंगे फिंगरप्रिंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट दे रहा है ये मोबाइल, देख रहे हैं यार बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट फास्ट है इसका।
मगर यार जो रेड एम आई का A3 है उसका इतना फास्ट नहीं है।